सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सुखनाशोपदेश की अग्रिम पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अपरिमाण उपशमो दारुणम लक्ष्मी मदः, यानी जो लक्ष्मी का जो मद है, घमंड है, वह है इतना भयंकर होता है कि वो परिणाम को प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो वृद्धावस्था तक भी दूर नहीं होता। कष्टम अनंजन वृत्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, और जो परम ऐश्वर्य के कारण नेत्र में उत्पन्न जो अंधापन है वह है अनंजन वृत्ति साध्यम कष्टम, अंजन यानी काजल लगाने की सलाखाओं से भी दूर होने वाला नहीं होता है। अशरीर उपचार आहार्य अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा, और जो युवावस्था में दर्प दाह ज्वरोष्मा घमंड रूपी ज्वर की जो उष्मा है वो किसी भी शीतल उपचार से दूर होने वाली नहीं होती। सततम अमूल मंत्र समय विस्मो विषय विष आस्वाद मोह, और इसी अवस्था में जो विषय के आस्वाद रूपी जो मोह है वो इतना कठिन होता है कि उसका समन किसी भी मंत्र या जड़ी बूटियों से नहीं होता है। नित्यम स्नान सोच बाध्य बलवान राग मला उलेप, और जो विषय के राग का जो मल है या कीचड़ का जो अवलेप है वह नित्यम स्नान सोच बाध्य है, वो इतना बलवान होता है कि वो प्रतिदिन के स्नान से भी दूर नहीं होता है। अजस्रम अक्ष पावशान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख संदिपा निद्रा भवती विस्तारेण विदेशे, और जो राज्य सुख के कारण जो निद्रा या आती है वह अजस्रम अक्ष पावन अवसान प्रबोधा घोरा, वह निरंतर होती है और रात्रि के अवसान से भी अवसान पर भी दूर होने वाली नहीं होती है। विस्तरेणा विधि से, और विस्तार से तुम्हें बता दिया है। गर्भ